की यात्रा के बाद देश लौटते ही पीएम मोदी दिवंगत मित्र अरुण जेटली के घर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने जेटली के परिजनों से बात कर उन्हें ढांढस बंधाया। अरुण जेटली का 24 अगस्त को निधन हो गया था और उस वक्त पीएम विदेश में थे। तब पीएम ने बहरीन में जेटली को याद करते हुए कहा था कि मेरा दोस्त अरुण चला गया। मोदी के दिल में अपने दोस्त को खो देने का दर्द उनके भाषण में साफ झलक रहा था। दोस्त को आखिरी बार न देख पाने की कसक थी तो दोस्ती की भावना और राष्ट्र कर्तव्य के बीच कश्मकश भी। भारत के पूर्व रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, आज ही उन्होंने अपना देश छोड़ दिया। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि मैं इतना दूर यहां बैठा हूं और मेरा एक दोस्त चला गया। ऐसे में देश पहुंचते ही पीएम सबसे पहले अपने दिवंगत दोस्त के घर गए, उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए। जेटली की पत्नी, बेटी और बेटे से बात भी की और उन्हें सांत्वना दी। पीएम मोदी और अरुण जेटली का ताल्लुक पार्टी के स्तर से ज्यादा पर्सनल लेवल पर भी था। गुजरात में सीएम के कार्यकाल से लेकर दिल्ली में प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी की पारी की शुरुआत में ऐसे कई मौके आए जब जेटली मोदी के लिए संकट मोचक साबित हुए थे। और यही वजह है कि जेटली का जाना मोदी के लिए किसी निजी नुकसान की तरह है जिसकी भरपाई शायद ही हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।